इन क्वेश्चन ब्रास रॉड लेंथ एल वन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन, एंड सेकेंड रॉड स्टील रॉड लेंथ एल टू एंड कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा टू. इन क्वेश्चन एल टू माइनस एल वन मेंटेन एट सेम टेम्परेचर, सो चेंज इन लेंथ फॉर बोथ रॉड शुड बी सेम, डेल्टा एल वन इक्वल टू डेल्टा एल टू. डेल्टा एल वन इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा वन एल वन डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा टू एल टू डेल्टा टी. अल्फा वन एल वन इक्वल टू अल्फा टू एल टू. सो आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पर गिवन है लोड रेजिस्टेंस आरएल, ये आपको दे रखा है 800 ओम, और इनपुट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास ये आपको दिया हुआ है 192 ओम, और यहाँ पर आपके पास अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है, अल्फा करंट गेन जो है 0.96. अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा दे रखा है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा. हम सब जानते हैं बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अल्फा 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96. सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आती है 24. इसके बाद हम वोल्टेज गेन कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन कॉमन अमीटर के लिए वोल्टेज गेन कैलकुलेट करते हैं. हम जानते हैं वोल्टेज गेन कॉमन अमीटर का एवी इज इक्वल टू होता है बीटा टाइम्स आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस. बीटा हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास है 24. आउटपुट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास गिवन है 800 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस जो है यह है 192, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे करंट गेन तो ये हमारे पास आ गया 100. अब अगर वोल्टेज गेन कैलकुलेट करें, वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सीबी कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं वोल्टेज गेन सीबी कॉन्फ़िगरेशन का होता है करंट गेन मतलब अल्फा टाइम्स आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस. अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, ये गिवन है क्वेश्चन में 0.96 इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास है 800, इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास है 192, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनली आंसर आ गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में 4. और अगर हम यहाँ पर देखें वोल्टेज गेन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आ गया, अब वोल्टेज गेन कॉमन बेस का आ गया, कॉमन बेस का पावर गेन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि दोनों चीज पूछी गई है. वोल्ट पावर गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और हम सब जानते हैं पावर गेन इज इक्वल टू हम जानते हैं करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, और करंट गेन है हमारे पास 0.96 इनटू वोल्टेज गेन अभी हमने कैलकुलेट किया है 4, और ये सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आ गया 3.84. तो फाइनली इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाता है, आंसर हमारा इसका अकॉर्डिंग आंसर चल जाएगा, फर्स्ट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फिग्रेशन बट वी गेट आंसर अकॉर्डिंग टू कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन.